श्रेणी संविदाकार संघ के ज्ञानेंद्र अवस्थी ने एक पत्र जारी किया है जिसमें उसने प्रदेश सरकार के ऊपर आरोप लगाए हैं। यह षड्यंत्र लगातार कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है कि हमारे जननायक, जन कल्याण, गरीब कल्याण को काम करने वाले प्रदेश के एसएसपी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम किया जाए, कांग्रेस के द्वारा यह प्रायोजित किया जा रहा है। तो ये प्रथम दृष्टया ये भी दिखता है कि इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ है। और जो इन्होंने ज्ञानेंद्र अवस्थी जी ने जो लेटर जारी किया है उसमें हमने आज यहाँ प्रशासन से बात की कि उसमें जांच की जाए, किससे मिला, कब मिला, कहाँ जा कर के मिला, इसमें पूरी जांच होना चाहिए। साथ ही साथ जो प्रियंका गांधी वाड्रा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने जो उसे ट्वीट किया है उनके ऊपर भी उसकी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि बगैर सच्चाई को जाने अगर वो ट्वीट कर रहे हैं, प्रदेश की एक ईमानदार सरकार को अगर बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसको बिल्कुल सहन नहीं करेगा, ना इसे बर्दाश्त करेगा, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आज विधि प्रकोष्ठ के माध्यम से हम लोगों ने यहाँ थाने में आकर के उसकी शिकायत दर्ज करवाई है और प्रशासन से मांग की इसकी जांच हो, और जो इसमें जिसने गलत काम किया है या ज्ञानेंद्र अवस्थी अगर झूठ बोल रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो, और साथ ही साथ प्रियंका गांधी वाड्रा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जिन्होंने ट्वीट किया है उनके ऊपर भी इसमें कार्रवाई होनी चाहिए।